जो मुनि वशिष्ठ है उनको पता है कि जो राज सिंहासन है अयोध्या का वो खाली है, वो उसको खाली देखना नहीं चाहते, क्यों खाली सिंहासन होता है तो कोई ना कोई खतरा आ सकता है राज्य पर। तो वो सभा बुलाते हैं, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित करते हैं। भरत से कहते हैं कि बेटे तुम राजकाज को संभाल लो, क्योंकि पिताजी का तो निधन हो गया है और जो बड़े भाई हैं वो वन में चले गए हैं, तो यह उचित है कि तुम अब इसको संभालो राजकाज को। तो जो महर्षि होते हैं जब ऐसा कहते हैं तो भरत होते हैं उनकी बात को नहीं मानते, वो कहते हैं मुनिवर यह राज्य जो है वो रामचंद्र जी का है, भाई इसके अधिकारी है, मैं ये पाप नहीं कर सकता, हम सब लोग वन में जाएंगे और रामचंद्र जी को वापस लाएंगे। तो वो जब ऐसा कहते हैं सभी लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सबका यही मन था कि रामचंद्र जी वापस आ जाए अयोध्या। और सभी लोग क्या करते हैं फिर अगली सुबह, मंत्री और सभासद होते हैं सभी लोग, और जो गुरु वशिष्ठ होते हैं वो भी और नगरवासी भी, और बहुत सी अधिक सेना लेकर सब लोग रामचंद्र जी को लेने के लिए चल देते हैं। तो रामचंद्र जी जो होते हैं वो गंगा पार कर जो चित्रकूट है वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पर एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का जो कि गंगा यमुना के संगम पर था। पर रामचंद्र जी होते हैं वो इस आश्रम में नहीं रहना चाहते, उनको लगता है कि वो आश्रम में रहेंगे तो महर्षि को क्या होगा, परेशानी होगी, असुविधा होगी। महर्षि होते हैं उनको बहुत ही सुंदर सुंदर सीन दिखाते हैं, दृश्य दिखाते हैं, पहाड़ी दिखाते हैं, और जो रामचंद्र जी होते हैं वही पहाड़ी पर अपनी जो पर्ल कुटी होती है, पत्तों से जो कुटिया होती है वो बनाते हैं। और इधर जो भरत होते हैं वो सारी सेना के साथ अपने दलबल के साथ आ रहे होते हैं, बहुत अधिक शोर होता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं। तो जो निषाद राज गुहू होते हैं उनको जब देखते हैं कि इतनी सेना आई हुई है तो उनको कुछ संदेह होता है, उनको लगता है कि जो भरत है उनको बहुत अधिक घमंड आ गया है और वो आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब उनको स्थिति का पता चलता है तो वो उनकी अगवानी करते हैं और गंगा पार करने के लिए क्या करते हैं, जो नावें होती हैं उसका प्रबंध करते हैं। तो रास्ते में मुनि भरद्वाज का जो आश्रम था वो भी पड़ता है, और जो भरद्वाज जी थे उनको बताते हैं कि वो रामचंद्र जी हैं, कहाँ पर हैं, वो पहाड़ी भी दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई थी। तो अयोध्या वासी होते हैं रात तो आश्रम में बिताते हैं, उन सबको बहुत अधिक संतोष था कि अब जो रामचंद्र जी हैं अब उनसे दूर नहीं है, जल्दी ही उनसे मुलाकात होगी। आगे बहुत घना जंगल था, सेना चलती है तो बहुत खलबली मच जाती है, जानवर जो होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं, पक्षी होते हैं वो भी इधर उधर चले जाते हैं, सबको डर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं उनके पैरों तले कुचल जाती हैं, और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो भी घबरा जाते हैं और वो भी कांपने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, जो राम और जो सीता होते हैं वो अपनी कुटिया में होते हैं, लक्ष्मण जी होते हैं वो पहरा दे रहे होते हैं, जब वो इतना अधिक शोर सुनते हैं तो वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं देखने के लिए कि मामला क्या है। तो लक्ष्मण जी हैं वो जब देखते हैं इतनी विराट सेना चली आ रही है, तो वो सेना का जब जो झंडा देखते हैं, ध्वज देखते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि जो ये सेना है वो अयोध्या की सेना है। तो वो लक्ष्मण जो होते हैं वो पेड़ पर से ही चीख कर कहते हैं कि भैया भरत की जो सेना है वो इधर आ रही है, लगता है वो हमें मार डालना चाहते हैं ताकि उनका एक छत्र राज हो सके। तो रामचंद्र जी हैं वो कुटिया से आते हैं, वो कहते हैं लक्ष्मण को ऐसा नहीं हो सकता, जो भरत है वो हम पर हमला कभी नहीं करेंगे, वो हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि जब मिलने आ रहे हैं, भाई भाई का जब मिलन हो रहा है तो इतनी अधिक सेना के साथ क्यों आ रहे हैं। तो वो अपने आप को समझा नहीं पा रहे इस चीज के लिए कि वो मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको यही लगता है कि वो यहाँ पर हमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो किसी तरह जो रामचंद्र जी हैं उनको समझा देते हैं, कहते हैं इतना उतावलापन ठीक नहीं है, और जो भरत हैं वो सारी सेना को पहाड़ी के नीचे ही रोक देते हैं, और जो नगरवासी होती है उनको भी वहीं पर ठहरने के लिए बोलते हैं। तो जो बहुत अधिक शोर मच रहा था वहां पर शांति हो जाती है, और भरत हैं वो पहाड़ी को नमस्कार करते हैं, शत्रुघ्न है, और जो भरत हैं दोनों नंगे पैर ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो उनकी जो पांवों की गति थी, पैरों की गति थी, बहुत तेज हो जाती है, उनको बहुत उत्सुकता थी अपने भाई से मिलने की। तो पहाड़ी पर उन्हें दूर पर एक छवि दिखाई देती है जो कि उन्हें पता चल जाता है कि वो राम है। तो रामचंद्र जी हैं वो एक शिला पर पत्थर पर बैठे हुए हैं, पास ही सीता बैठी हुई है और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। तो भरत हैं वो दौड़ बहुत तेजी से भाग कर जाते हैं और राम के चरणों में गिर जाते हैं, और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता उस टाइम पर। और जो शत्रुघ्न होते हैं वो भी रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हैं और बोलते कुछ नहीं है। तो रामचंद्र जी उन दोनों को उठाते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं, सबकी आंखों में आंसू होते हैं। तो जो भरत होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे बताएं कि जो उनके पिता है अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये दुखद समाचार कैसे दें भाई को। तो बहुत ही कठिनाई से किसी तरह वो बताते हैं कि जो पिता दशरथ थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि आप यहाँ पर चले आए थे और आपको वो बहुत अधिक चाहते थे, तो छठे दिन उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो
तो रामचंद्र जी हैं जब ये बात सुनते हैं तो बहुत अधिक कष्ट होता है उनको, बहुत अधिक शोक में डूब जाते हैं वो। तो रामचंद्र जी को पता चलता है कि जो भरत हैं बहुत अधिक सेना के साथ आए हैं, नगरवासी भी आए हैं, गुरुजन भी हैं, माता भी हैं और केकई भी आई हैं। तो राम और लक्ष्मण पहाड़ी से उतरते हैं उनसे भेंट करने के लिए। तो सभी लोग हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं एक दूसरे से। सीता को इस तरह की वेशभूषा देखकर जो माताएं होती हैं बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं, और जो राम होते हैं केकई को भी प्रणाम करते हैं बहुत ही सरल सहज भाव से, और जो केकई होती है मन ही मन पछता रही होती हैं। अगले दिन क्या होता है, जो भरत होते हैं राम से आग्रह करते हैं कि आप चलिए और जो राज गद्दी है आप उसको संभालिए। तो रामचंद्र जी होते हैं वो तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं, पिताजी ने मुझको आज्ञा दी थी, उनकी मृत्यु के बाद मैं उनके वचनों को कैसे तोड़ सकता हूँ। भरत को राजकाज समझाते हैं और कहते हैं तुम जाओ गद्दी को संभालो, यही पिता की आज्ञा है। तो जो मुनि वशिष्ठ होते हैं वो इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, तो वो कहते हैं रामचंद्र जी को समझाते हैं कि जो रघुकुल की परंपरा है वो तो यही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा बेटा होता है, वही गद्दी पर बैठता है, तो तुमको अयोध्या वापस लौट चलना चाहिए और अपने दायित्व को निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। तो रामचंद्र जी होते हैं बहुत ही संयत भाव से, बहुत ही धैर्य से अपना उत्तर देते हैं कि कहते हैं कि नहीं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि पिता ने मुझको आज्ञा दी है ऐसी, चाहे चंद्रमा है अपनी चमक को छोड़ दे, चाहे सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, लेकिन मैं जो पिता ने मुझको आज्ञा दी है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता और उन्होंने जो कहा है वो उसको मैं मानूंगा। तो उनकी ही आज्ञा थी कि मैं वन में जाऊं और जो भरत है वो राजगद्दी संभालें। जो रामचंद्र जी हैं वो किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं होते, तो भरत को समझ में आ जाता है कि रामचंद्र जी ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपको नहीं चलना साथ में तो मैं खाली हाथ तो जाऊंगा ही नहीं, तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपनी जो खड़ाऊ है चरण पादुकाएं हैं वो दे दीजिए, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। तो भरत होते हैं वो इस तरह से जब कहते हैं तो रामचंद्र जी उनका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं और अपनी चरण पादुकाएं होती हैं वो भरत को दे देते हैं। भरत उनको अपने माथे से लगाते हैं और 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा, वो ऐसा बोलते हैं और सबको नमस्कार करते हैं और चित्रकूट से वो विदा ले लेते हैं। तो चरण पादुकाओं को लेकर जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका बहुत अधिक से पूजन करते हैं उन पादुकाओं का, और पादुकाएं जो होती हैं उनके लिए राम की धरोहर हैं, उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। तो वो कहते हैं कि मैं इन पादुकाओं को आज नहीं आने दूंगा। और क्या करते हैं जो भरत होते हैं वो अयोध्या में कभी नहीं रुकते और तपस्वी के वस्त्र पहन लेते हैं और नंदीग्राम चले जाते हैं। जाते समय उन्होंने बस यही कहा कि मेरी अब केवल एक ही इच्छा है कि इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए, मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। तो वो क्या करते हैं फिर कभी अयोध्या वापस नहीं आते और नंदीग्राम चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कथा है वो खत्म हो गई बच्चों। तो इसमें यही बताया गया है जो भरत है बहुत अधिक चाहते हैं राम को और राम से मिलने जाते हैं सबके साथ और उनकी चरण पादुकाएं लेकर आते हैं और कहते हैं कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।